जब किसी ने नहीं सुनी फरियाद तो फिर आई अखिलेश यादव की याद। विकलांग के लिए मसीहा बने अखिलेश यादव तो जगी इंसाफ की उम्मीद। रामराज की सरकार, मंत्री, विधायक और उप मुख्यमंत्री, किसी ने नहीं ली सुध। अखिलेश यादव के दरवाजे पर दी दस्तक तो मिला मदद के लिए सहारा। देखिए कैसे एक विकलांग मासूम के लिए अखिलेश यादव बने मसीहा और की मदद। आंसुओं का ये सैलाब लाचारी और मजबूरी साफ बयान करता है। ये सैलाब अपराध फ्री यूपी के सरकारी दावे की पोल खोलता है और ये सैलाब सरकारी थोथेपन की बखिया उधेड़ देता है। गोंडा का रहने वाला ये विकलांग किशोर दुर्गेश यादव है, जो भाई के हत्यारे दबंगों की धमकियों से आजिज आकर लखनऊ में सीएम से मिलने पहुंचा था, लेकिन सीएम तो नहीं मिले। अखिलेश यादव ने मदद का हाथ जरूर बढ़ाया तो दुर्गेश ने राहत की सांस ली है। दुर्गेश मात्र 14 साल का है और पिता मानसिक बीमार है, माँ विकलांग है। ऐसे में इंसाफ के लिए खुद ही सड़कों पर मारा मारा घूम रहा है। दुर्गेश की माने तो उसके भाई की हत्या सिर्फ इस बात की वजह से कर दी गई थी क्योंकि उसने मांस मदिरा खाने वाले बर्तनों को साफ करने से इनकार कर दिया था। दुर्गेश महीनों से सीएम आवास के चक्कर काट रहा है और दसियों प्रार्थना पत्र मदद के लिए दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। एक स्वतंत्र पत्रकार की नजर पड़ी तो उसने इसके दर्द को सोशल मीडिया पर साझा किया और ये अखिलेश यादव तक जा पहुंचा। अखिलेश यादव ने तुरंत एक्शन लिया और दुर्गेश को मिलने के लिए बुलाया, साथ ही मदद के तौर पर 2,21,000 की मदद की और वादा किया कि जिंदगी में कभी भी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा साथ हूँ। दुर्गेश की माने तो उसके भाई के हत्यारे का नाम अरविंद सिंह है, जो जेल में बंद है और उसके परिवार के लोग राजीनामा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। आरोपी का एक भाई हेल्पलाइन 1076 पर काम करता है। जब भी आरोपी घर आता है तो दुर्गेश के परिवार के लोगों को धमकाता है और सरकार का साथ होने का दावा करते हुए कहता है कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में मासूम दुर्गेश परिवार की सुरक्षा और दबंगों पर कार्रवाई के लिए महीनों से जगह जगह फरियाद कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दुर्गेश की माने तो उसने सीएम योगी और डेप्यूटी सीएम दोनों के यहाँ कई बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन किसी ने भी उसकी समस्या पर गौर नहीं किया। अब अखिलेश यादव ने मदद का हाथ बढ़ाया है तो दुर्गेश को इंसाफ की उम्मीद जगी है। दुर्गेश की माने तो अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि वो हर हाल में उसके साथ हैं और इंसाफ की जंग में कदम कदम पर साथ देंगे। दुर्गेश को मदद तो मिल गई, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर जब सरकार ने अपराधियों का खात्मा कर दिया है तो फिर ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं। सरकारी दावों की माने तो यूपी में अपराध का आ भी नहीं बचा है, लेकिन आंकड़े और हालात सरकार की पोल खोल रहे हैं और दुर्गेश यादव इसका जीता जागता उदाहरण है, सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।